दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपका ही चैनल हिस्टोरिकल गुरुजी में। मैं हूं सुगेन और आज की वीडियो में बात हम करेंगे नारी शक्ति के बारे में। जो यूरोपियन पावर, जो अमेरिकन पावर हमें फीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि जब तुम्हारे पूर्वज पेड़ की छाल पहन रहे थे तब हमारे भारत की नारियां राज्य संभाल रही थी। आज हम दोस्तों बात करेंगे होम वंश की महारानी त्रिभुवन महादेवी के बारे में। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाने में मैं मेरा 10 दिन लुटा दिया, पर कहीं पे भी मुझे रानी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मिला। मैंने बहुत से आर्टिकल पढ़े, बहुत से किताब खंगाले, पर ये दुर्भाग्य है कि हमारे इतिहासकार हमारे खुद के इतिहास को एनालिसिस करने से ज्यादा यूरोपियन जो इतिहास हमारे बारे में लिख गए हैं, अरब जो हमारे बारे में लिख गए हैं, उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूं। यह है एक किताब जिसमें त्रिभुवन महादेवी के बारे में सिर्फ इतना लिखा है। इतने से डाटा को लेकर क्या कोई वीडियो बन सकता है? मैंने आपसे वादा किया था कि मैं उनके ऊपर वीडियो लाऊंगा, पर कैसे? मेरे पास तो कोई डाटा भी नहीं है। वही तो प्रूफ होगा जिसको मैं आपको दिखा सकूं। अगर बाद में कोई मुझे प्रूफ मांगेगा तो मैं क्या उसको जवाब दूंगा? बहुत से इतिहास खंगालने के बाद, बहुत से आर्टिकल पढ़ने के बाद और ढेर सारा रिसर्च करने के बाद जितने भी डाटा मेरे हाथ लगा उसको लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कर देना ताकि हमारे इतिहास लोगों के तक पहुंच सके, और जो नए दर्शक है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और बहुत ही जल्दी चैनल 10,000 सब्सक्राइबर छूने वाले हैं, तो इस चैनल को भी अपना सपोर्ट देना, अपना प्यार देना और कमेंट भर भर के करना। महारानी त्रिभुवन महादेवी होमकर वंश की रानी थी। उस समय वो आज से 200 नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, अभी तो 1200 साल पहले ओडिशा, बिहार एवं बंगाल के एक विशाल हिस्से पर अपने विजय का परचम लहरा रही थी। रानी के बारे में आगे जानने से पहले हमें होमकर वंश के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। मगध के गुप्त वंश के राजा जीवित गुप्त को कन्नौज के राजा जसोवर्मन हत्या करके मगध को अपने कंट्रोल में ले गए, पर वो ज्यादा दिन तक मगध को अपने कंट्रोल में नहीं रख सके क्योंकि कश्मीर के महाराज सम्राट ललितादित्य मुक्तपीड के हुए अचानक हमले में जसोवर्मन का देहांत हो गया और पूरे पूर्वी भारत में एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया। इस पावर वैक्यूम को ओडिशा के होमकर वंश ने पूरा किया और पूर्वी भारत में एक शक्तिशाली राजतंत्र का स्थापना भी करवाया। होमकर खुद को उत्कल कुल बुलाते थे, जिसका मतलब है उत्कल के निवासी, यानी आज के हिसाब से ओडिशा के निवासी। अगर हम पुराणों में देखें तो विष्णु पुराण में भौमगुह नाम के एक राजा का वर्णन है जो कलिंग पर शासन करते थे। हो सकता है कि भौमवंशी उस भौमगुह नाम के शासक के वंशज हो। फिर आप पूछोगे कि तुझे कैसे पता? क्योंकि उनके राजधानी से यही पता चलता है। भौमवंशियों का राजधानी था गुहेश्वर पाटक, जो कि आज के जाजपुर टाउन है। इस वंश के शासकों के नाम के पीछे कर शब्द जुड़ा होता था, जैसे सुभंकर, खेमकर, शांतिकर, शुभंकर इत्यादि इत्यादि। भौमवंशी अपने राज्य का नाम तोषाड़ी रखे थे और राज्य का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो इस राज्य को दो हिस्से में डिवाइड किए थे, उत्तर तोषाड़ी और दक्षिण तोषाड़ी। दोनों के बीच महानदी बॉर्डर का काम करता था। रानी त्रिभुवन महादेवी जी के पत्नी थे महाराज शांतिकर देव। महाराज शांतिकर देव एक शक्तिशाली तथा प्रजावत्सल राजा थे। रानी त्रिभुवन महादेवी के बचपन का नाम था गोस्वामिनी और वो गंगवंशी राजकुमारी थे, पर कुछ इतिहासकार उन्हें छंद नागवंशी राजकुमारी भी कहते हैं। महाराज शांतिकर देव के अचानक निधन हो जाने से उनके बड़े भाई के बेटे द्वितीय शुभकर देव को राजा बनाया गया साल 835 में, पर वो सिर्फ एक साल ही शासन कर पाए और साल 836 में उनका भी देहांत हो गया। इस वजह से उनके चचेरे भाई तृतीय शुभकर देव को राजा बनाया गया। हिंदोल में मिले एक कॉपर प्लेट में ये खुदा हुआ है कि राजा तृतीय शुभकर देव एक योद्धा, दयालु तथा शास्त्रज्ञ में पंडित माने जाते थे, पर उनका कोई पुत्र संतान नहीं था। उनके गुजर जाने के बाद राज्य में विद्रोह का माहौल शुरू हो गया।
सामंत राजा विद्रोह कर उठे। हर कोई पावर को अपने मुट्ठी में लेने के लिए अपनों से ही लड़ पड़ा। तभी राज्य का भार अपने कंधे पे उठाई राजमाता त्रिभुवन महादेवी। महारानी अपने दुश्मनों को ब्रूटली सप्रेस किया। जितने भी सामंत राजा विद्रोह कर रहे थे उनको उनके गद्दी से उखाड़ फेंका। बंगाल के पाड़वंशी राजाओं का और दक्षिण से सोमवंशी राजाओं का आक्रमण को वीरता के साथ धूल धूसरित किया। उनकी पराक्रम ऐसा था कि लोग उन्हें देवी कात्यायनी बुलाने लगे। उनके पराक्रम की गाथा दो अरब के एक्सप्लोरर जिनका नाम इब्न खुरतादबे और मोहम्मद इब्न रुस्ता था, वो अपने किताब में उनके बारे में मेंशन किए हैं। वो भुवनेश्वर में बैताल मंदिर का भी निर्माण करवाई थी, जो कलिंग वास्तुशिल्प और द्राविड़ियन वास्तुशिल्प का एक बेजोड़ नमूना है। उसके बाद मैंने रिसर्च किया कि आखिर क्यों भोम वंश का विलुप्त हो गया। इस बारे में मुझे दो चौंका देने वाले एविडेंस मिले। भोम वंश भारत के इतिहास का वो पहला राजवंश है जो लगातार 5 रानियों के द्वारा शासित हुआ, जैसे त्रिभुवन महादेवी, गौरी महादेवी, दंडी महादेवी, बकुला महादेवी एवं धर्मा महादेवी। त्रिभुवन महादेवी के पश्चात बाकी 4 रानियां ज्यादा शक्तिशाली नहीं थी, जिस वजह से अंदरूनी कलह दिखा गया और उसके साथ साथ दक्षिण से सोमवंशी राजा महाशिवगुप्त जजाति के तोसाड़ी के ऊपर हुए बार बार आक्रमण इस वंश को विलुप्ति करने में एक मुख्य भूमिका ग्रहण किया। दोस्तों यही सब कारण था जिस वजह से भूमकर वंश का विलुप्त हो गया। जैसे ये वंश विलुप्त हुआ इनके जगह पर सोमवंशी आ गए, जो अपने आप में बेहद शक्तिशाली राजा थे, जो भुवनेश्वर में हजारों शिव मंदिर का निर्माण भी करवाए थे। फिर वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।